नमस्कार दोस्तों, मैं आयता वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। तो दोस्तों, 70वीं बीपीएससी की परीक्षा जो कि 17 नवंबर को होने जा रही है और इस परीक्षा के लिए मास्टर प्लान्स हम सब आप सबके समक्ष मुहैया करा रहे हैं और उसी क्रम में इसका पार्ट वन जो कि सितंबर महीने का मास्टर प्लान था जिसको मैंने आप सबके समक्ष रखा था, राइट। और आज के इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर महीने का मास्टर प्लान डिस्कस करेंगे और मैंने आप सबको वादा किया था कि अगर आप सबके पास कुछ प्लान है, आप अगर किसी प्लान किसी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़िए। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप अभी भी क्यूरियस में है कि करे तो क्या करे, कहां से शुरू करे, किस प्रकार से शुरू करे, तो आपके लिए हमारे द्वारा एक प्लान है जिस प्लान को आप फॉलो अप कर सकते हैं और इस प्लान को फॉलो अप करके आप अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने रिविजन्स को भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डेट वाइज देखेंगे कि अक्टूबर के महीने में हमें क्या करना चाहिए। ऐसे बच्चे जो इससे पहले सितंबर के महीने का वीडियो नहीं देखे हैं, सितंबर महीने का मास्टर प्लान नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो को देखने से पहले उसको जरूर देख लें क्योंकि आप उसको अगर देखेंगे उससे कनेक्ट करेंगे, उसी का यह पार्ट टू है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि अक्टूबर महीने का मास्टर प्लान आखिर हमारा क्या होगा और आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्लान को फॉलो अप कर रहे हैं तो आप पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए कि हाँ ये प्लान आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि लाभदायक तो होना ही है। आपके पास कोई अगर प्लान ऑलरेडी है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, अन्यथा यह प्लान है, इस प्लान के आप थ्रू रोज जाइए और रोज उसको आप सब लोग बेहतर कर सकते हैं। तो 70वीं बीपीएससी का महीने का एक मास्टर प्लान हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले आपको बताते चले कि सितंबर महीने में हमने मिडावल हिस्ट्री यानी कि आप अक्टूबर महीने का ये मास्टर प्लान है, इट मींस कि आप इसको 1 अक्टूबर से फॉलो अप कर रहे हैं और 1 अक्टूबर से जब आप इस मास्टर प्लान को फॉलो अप कर रहे हैं तो 1 अक्टूबर तक आते आते आप सबका मिडावल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, आप सबका एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, आप सबका पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। मैं रीडिंग की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन की नहीं, क्वेश्चन का मैं बताऊंगा अलग से कैसे करना है। इकोनॉमिक्स हो चुका है, आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स जुलाई 2024 तक कंप्लीट कर चुके होंगे हमारे सितंबर महीने के प्लान के अकॉर्डिंग। अब आइए हम लोग बात करते हैं हमारे अक्टूबर महीने के प्लान के बारे में। तो अक्टूबर महीने में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, बिहार की ज्योग्राफी, सेंसस, इसको हम लोग देखेंगे और फिर नवंबर का प्लान मैं आगे अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको नवंबर के बचे हुए 15 दिनों का प्लान बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अगर अक्टूबर महीने के प्लान की बात करते हैं तो सबसे पहला दिन अक्टूबर महीने का 1st of October, आपको याद रखना है कि इस महीने में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी और सेंसस, इसको करना है। और अक्टूबर महीने के प्लान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अक्टूबर महीने में सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कीजिए क्योंकि आपने ऑलरेडी एंसेंट मिडावल कंप्लीट कर रखा है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप कवर अप करेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया एंड बिहार, क्योंकि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को करेंगे तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको देखना जरूरी है क्योंकि बिहार हिस्ट्री भी आप यहीं से कवर अप कर लेंगे, अलग अलग अब आपके पास कवर अप करने का समय नहीं है। तो आप अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया एंड बिहार को देखेंगे, ज्योग्राफी में आप सॉइल क्लाइमेट को देखेंगे, साइंस भी साथ ही साथ आप शुरू कर लेंगे 1 अक्टूबर को, यूनिट एंड डायमेंशन आप देखेंगे और 1 ही अक्टूबर को आप अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स 15 दिन का, या अगस्त 2024 का मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 किया है तो पार्ट 1 यानी कि आधा आप इसको कवर अप कर लेंगे, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। 2 अक्टूबर की बात अगर हम करते हैं तो ब्रिटिश पॉलिसीज आप आ जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसमें आप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल यानी कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से ब्रिटिश की नीतियां जो है उसको, उस चैप्टर को करेंगे। ज्योग्राफी में आप प्लेट्यू, पठार, माउंटेन, पहाड़, प्लेन्स, मैदान और पासेस, दर्रे, इनको कवर अप कर लेंगे। साइंस में आप मोशन को कवर अप कर लेंगे। इसके साथ ही साथ अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स का आप पार्ट 2 जो बचा हुआ था उसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम 3rd of October की बात करेंगे तो 3rd of October में आप ब्रिटिशर्स की नीतियां, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन जो कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से थी, इसका प्रभाव बिहार में और भारत में कैसे पड़ा, इसको आप देखेंगे। साथ ही साथ ज्योग्राफी में आप नदी और डैम्स को देख लेंगे, साउंड एंड हीट को आप 3 अक्टूबर को देख लेंगे और सेप्टेंबर 2024 का करंट अफेयर्स आधा आप इस महीने का आधा आप 3 अक्टूबर को कर लेंगे। 4 तारीख को आपको क्या करना है तो 4 तारीख को भाई वही मॉडर्न हिस्ट्री, आप ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट इंडिया एंड बिहार यानी कि
किसान और जनजातीय आंदोलन जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, खासकर यहाँ से मुंडा रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, हो रिवोल्ट, ये सबको आप कर लेंगे। एग्रीकल्चर आप पढ़ लेंगे, हमारा भारत एग्रीगेरियन स्टेट है, एग्रीकल्चर में कौन सा प्रोडक्ट हम लोग ज्यादा करते हैं, भारत की रैंकिंग क्या है, भारत में कौन सा राज्य की क्या रैंकिंग है, बिहार की क्या रैंकिंग है, इस वाले कॉन्टेक्स्ट को आप कर लेंगे। देन उसके बाद आप लाइट पढ़ेंगे साइंस में, और सेप्टेम्बर के महीने में आप सेप्टेम्बर का जो आधा करंट अफेयर्स है इसका आप कवर अप कर लीजिएगा, सेप्टेम्बर 2024 का पार्ट टू, जो सितंबर 2024 का पार्ट टू करंट अफेयर्स का होगा इसको आप इस महीने कर लेंगे। देन उसके बाद आप यहां तक आते आते सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हिस्ट्री में कर लेंगे, यानी कि सामाजिक सुधार आंदोलन, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। मिनरल्स यानी कि खनिज को कर लेंगे 5 तारीख को। इलेक्ट्रिक करंट कम्युनिकेशन, इसको आप करंट वाला जो टॉपिक यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे। और अक्टूबर का महीना जस्ट शुरू ही हुआ है, तो जो भी 4-5 दिन का शुरू का जो करंट अफेयर्स है, जो आजकल खबरों में रहा है, 4-5 दिन का ही करंट अफेयर्स होगा, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। देन उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को आप क्या करेंगे, तो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति और उसका भारत में और बिहार पे क्या प्रभाव पड़ा, बिहार के रीजनल जो थे जैसे अमरनाथ अमरातू से लीड कर रहे थे, हुक्कू सिंह मुक्कू सिंह कहां से लीड कर रहे थे, इन सारे टॉपिक्स को आप देख लेंगे। साथ ही साथ ज्योग्राफी में जंगल और साथ ही साथ जो वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, इनको देख लेंगे। खासकर बिहार के नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क को आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे बाघों की संख्या सबसे तेजी से प्रतिशत के आधार पे बढ़ी है, तो ये सब कुछ डेटा आपके पास पता होने चाहिए। इसके बाद साइंस में आप इंपॉर्टेंट टूल्स एंड देयर फंक्शन, यानी कि महत्वपूर्ण जो टूल्स और उसके फंक्शंस हैं उसको देख लेंगे। और सितंबर 2023 यानी कि लास्ट ईयर का करंट अफेयर जो ऑलरेडी आपने एक बार कर रखा है सितंबर के महीने में, जो सितंबर महीने का मास्टर प्लान है उसमें आप लोगों ने सितंबर 2023 यानी कि लास्ट ईयर 2023 का करंट अफेयर्स आपने कर रखा है उसको एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। करंट अफेयर्स हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसको वापस से रिवाइज करेंगे। 7 अक्टूबर की बात अगर हम लोग बात करें तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी यानी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां, इसके दोनों फेजेस, चाहे स्वदेशी आंदोलन के समाप्त होने के बाद एक फेज था जिसमें आप सबको पता है खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की, ये सब जुड़े हुए हैं, इसके बाद दूसरा फेज जिसमें भगत सिंह वगैरह जुड़े हुए हैं, इन सारे टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा। ज्योग्राफी में आप द्वीप, कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप, महासागर, डेजर्ट, जो खबरों में रहे, जो खबरों में सर्च कीजिएगा डेजर्ट इन न्यूज, ओशन इन न्यूज, कॉन्टिनेंट इन न्यूज, आइलैंड इन न्यूज, और उसको आप कवर अप कर लेंगे। साथ ही साथ साइंस में आप कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड स्पेस वाला टॉपिक है इसको कर लीजिएगा। और अक्टूबर 2023 यानी कि लास्ट ईयर का 2023 का अक्टूबर का करंट अफेयर जिसको आप लोगों ने ऑलरेडी लास्ट महीने तक यानी कि आपने ऑलरेडी इसको रिवाइज कर चुका होगा, अगर आप सितंबर महीने को फॉलो किए होंगे हमारे सितंबर महीने के मास्टर प्लान को, तो आप यहां तक कर चुके होंगे। देन उसके बाद आप फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विल रिप्रेजेंट टू बिहार यानी कि रेस्पेक्ट टू बिहार की बात हम करें तो बिहार में क्या इसका प्रभाव पड़ा, बिहार से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस समय में या कहीं नहीं किया, तो भाई बिहार का रीजनल कांग्रेस कब बना, इन सब चीजों को देखते हुए इसके बाद आप सेंसस करेंगे। सेंसस में आप इंडिया का भी करेंगे और साथ ही साथ बिहार, इंडिया के साथ साथ बिहार का भी आप लोग सेंसस में कर लेंगे। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट बायोलॉजी में आप एंटर कर लेंगे और नवंबर 2023 यानी कि लास्ट ईयर के नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स को आप यहां से अच्छे से कर लेंगे। 9 अक्टूबर को आप स्वदेशी आंदोलन करेंगे, साथ ही साथ होम रूल और इसका इंपैक्ट बिहार में क्या पड़ा इसको भी कर लेंगे। ट्राइब्स यानी कि ज्योग्राफी में आप कौन से ट्राइब्स, खबरों में जैसे अभी भिल लैंड की डिमांड कर रही है, भिल अपने एक राज्य की डिमांड कर रही है, भिल कहां पाए जाते हैं, भिल कौन से राज्यों को मिलाकर के अपना एक भिल प्रदेश की डिमांड कर रही है, सब खबरों को थोड़ा देख लीजिएगा। सेल टैक्सोनॉमी में आप सेल टैक्सोनॉमी, सेल के बारे में बायोलॉजी में करेंगे और दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स को आप कवर अप यहां पे कर लेंगे। 10 अक्टूबर तक आते आते आप चंपारण, बिहार, खेड़ा, अहमदाबाद, ये सारे टॉपिक्स को कर लीजिएगा। चंपारण और बिहार, क्योंकि चंपारण तो बिहार में हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा, खेड़ा अहमदाबाद में जो कि गांधी जी का पहला नन कॉपरेशन आंदोलन था, चंपारण जो गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, अहमदाबाद जो गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था, इन सब टॉपिक्स को आप कर लेंगे। साथ ही साथ प्लेट टेक्टोनिक जो है, प्लेट टेक्टोनिक जो है, प्लेट्स के बनने से क्या होता है, जब दो प्लेट टकराते हैं, ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंट प्लेट टकराएगा तो क्या बनेगा, दो ओशनिक प्लेट टकराएंगे तो आइलैंड्स, ये सब थोड़ा सा जो फैक्ट है, इस सब फैक्ट को थोड़ा सा आप ज्योग्राफी में कर लीजिएगा। इसके बाद आप बायोलॉजी में सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम को कर लेंगे और जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को आप 10 अक्टूबर को कर लेंगे।
इसके बाद रॉलेक्ट एक्ट, जालियांवाला बाग, खिलाफत और बिहार, जो इसका क्या प्रभाव पड़ा रॉलेक्ट एक्ट का, जालियांवाला बाग का, खिलाफत आंदोलन का बिहार में, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी रिसोर्स, यानी कि भारत के हमारे बुनियादी ढांचा और भारत के जो हमारे एनर्जी रिसोर्स है, इसको आप कवर अप कर लेंगे। देन उसके बाद जेनेटिक एंड हेरिडिटी को आप कवर अप करेंगे, और फरवरी 2024 तक आते आते आप फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को वापस से दोबारा से, याद रखिएगा करंट अफेयर्स का आपका ये दूसरा रिवीजन चल रहा होगा। एक रिवीजन ऑलरेडी हमने सितंबर के महीने में कर ली, ये इसका दूसरा रिवीजन यहां पे चल रहा है। 12 अक्टूबर को आप क्या करेंगे, तो 12 अक्टूबर को आप करेंगे एनसीएम, नन कोऑपरेशन मूवमेंट बिहार और स्वराज पार्टी, यानी कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, नन कोऑपरेशन मूवमेंट और बिहार और स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, कैसे हुआ, चौरी चौरा घटना, ये सबको आप कर लेंगे। और ज्योग्राफी में आप इंडस्ट्री को कर लेंगे, साथ ही साथ बायोलॉजी में आप विटामिन मिनरल्स, कौन से विटामिन को लैक से क्या होता है, कौन से किस में कौन से विटामिन ज्यादा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब टॉपिक को करने के बाद मार्च 2024 के करंट अफेयर्स का दूसरा रिवीजन भी आप इस दिन कर लेंगे। देन उसके बाद हम 13 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे, 13 अक्टूबर को हम सामन कमीशन और लाहौर सेशन कर लेंगे, पोर्ट यानी कि जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है भारत के उसको हम लोग देख लेंगे, डिजीजेस एंड देयर कॉज यानी कि बीमारियां और उनके कारण, उस वाले टॉपिक को हम देख लेंगे, और साथ ही साथ अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को भी हम 13 अक्टूबर को देख लेंगे। 14 अक्टूबर की बात अगर हम करते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार का क्या इंपैक्ट पड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में और बिहार में क्या इंपैक्ट पड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल डांडी मार्च में अगर जितने 78 लोग गए थे तो उसमें बिहार से कौन था, सबसे ज्यादा कहां से था, बिहार में किन किन लोगों ने लीड किया, चंपारण में, सारण में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, पटना में किन किन लोगों ने लीड किया, ये सब टॉपिक्स को आप देख लेंगे। सोलर सिस्टम आप ज्योग्राफी में इसके बाद कर लेंगे, हार्मोन्स एंड एंजाइम आप बायोलॉजी में कर लेंगे, और जून 2024 का करंट अफेयर्स आप फिर से दोबारा से 14 अक्टूबर को रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद आप इंडिविजुअल सत्याग्रह कर लेंगे, साथ ही साथ इंडिविजुअल सत्याग्रह और बिहार में कौन थे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही, ये सब के फैक्ट, और साथ ही साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 को भी आप कर लेंगे यहीं पर, इससे बेसिकली उड़ीसा जो है हमारा अलग हुआ, साथ ही साथ इसके बाद चुनाव हुए, इस चुनाव का क्या रिजल्ट बना, कौन पहले बिहार के प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय मुख्यमंत्री को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, मोहम्मद यूनुस, इन सब के बारे में फैक्ट, कौन से चुनाव ने कितना सीट जीता, कौन सी पार्टी ने कितना जीता। इसके अलावा आप इधर फिजियोग्राफी ऑफ बिहार, बिहार स्पेशल के ज्योग्राफी को भी शुरू कर देंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्योंकि हमारा ज्योग्राफी अब हो चुका है खत्म यहां तक, इसके बाद अब बायोलॉजी भी खत्म हो चुका होगा, आप केमिस्ट्री में एंटर कर जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, और जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स को वापस से आप यहां पे रिवाइज करेंगे। देन उसके बाद हम लोग 16 अक्टूबर को पहुंचेंगे, 16 अक्टूबर को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव बिहार में क्या पड़ा, बिहार में समाजवादी आंदोलन चले, जयप्रकाश नारायण, सियाराम दल, ध्रुव दल या फिर फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ये सब के कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, उसके नजर रखते हुए भारत में क्या इसका प्रभाव पड़ रहा था उसको हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार, इसको कवर अप करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर्स अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई स्टेट ऑफ मैटर्स क्या है, इसको हम लोग देखेंगे, और तब तक आते हुए हम लोग अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को वापस से दोबारा से यहां पे रिवाइज कर लेंगे। 17 अक्टूबर तक आते-आते हम लोग कैबिनेट, क्रिप्स और अदर जो कमिटीज है उसको देख लेंगे, साथ ही साथ यहां पे हम लोग क्लाइमेट ऑफ बिहार इसको भी कवर अप कर लेंगे, बिहार की जलवायु, कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप, जो कार्बन और कंपाउंड है उस वाले टॉपिक को भी कर लेंगे, और सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी हम दोबारा से 17 अक्टूबर तक आते-आते रिवाइज कर लेंगे। देन उसके बाद हमारा तारीख होगा 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर को हम जितने भी गवर्नर जनरल और उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उसको एक बार देख लेंगे, ये इसका सोर्स आपका स्पेक्ट्रम के बुक के लास्ट में अपेंडिक्स होता है उसमें आप देख लीजिएगा, साथ ही साथ सॉइल ऑफ बिहार, बिहार की मिट्टी, इसको थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा, क्वेश्चन यहां से बन जाता है, मेटल नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, कौन से मेटल है जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हर साल एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई हार्डेस्ट एलिमेंट या हार्डेस्ट इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं या फिर इसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सबको देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स का भी यहां से आप लोग मॉक लगाना शुरू करेंगे, क्वेश्चन आएगा कि सर कहां से मॉक लगाना शुरू करें, क्या करें, तो आप सबको पता है कि सुबह सुबह मैम 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास लेती है, रेगुलर क्लास, वो सब आप लोग करते ही होंगे। इसके अलावा मैम जो है हम लोग प्लान भी कर रहे हैं कि भाई कुछ करंट अफेयर्स के इस प्रकार के मॉक वगैरह सबको लगाया जाए, तो यूट्यूब पे आएगा। इसके अलावा आपको जहां से भी मटेरियल मिले आप इसको इस सोर्स का फायदा उठा सकते हैं। 19 अक्टूबर की बात हम लोग करते हैं तो आप लेबर मूवमेंट यानी कि जो मजदूर
आंदोलन है, इसको आप लोग कवर अप कर लीजिएगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ बिहार, यानी कि बिहार में जंगल और बिहार के वन्यजीव अभयारण्य, इसको कर लीजिएगा। नेशनल पार्क आपने ऑलरेडी कवर अप कर लिया था हमारे ज्योग्राफी वाले पोर्शन में, तो बिहार ज्योग्राफी में आप फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ बिहार कर लीजिएगा। इसके अलावा सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो केमिस्ट्री का हमारे टॉपिक है, इस टॉपिक को भी कर लीजिएगा। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन बने थे, उससे पहले भी दो तीन बार हमेशा क्वेश्चन यहां से बनते आए हैं। इसके बाद आप करंट अफेयर्स का फुल मॉक, मैंने बता ही दिया कि भाई करंट अफेयर्स का सोर्स के लिए आपको मैंने बता ही दिया कि मैम की क्लासेज होती है, दैट वाज मोर देन सफिशिएंट होती है, आप उनकी क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा जहां से भी मौका मिले, अब यहां पे कुछ ये नहीं कि जहां से भी मौका मिले उठाइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लगाइए, जहां से मौका मिले उठाइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लगाइए, फुल मॉक मतलब कि पूरा कहीं से भी उठा के मॉक लगाइए। अब क्वेश्चन के थ्रू कीजिए रिवीजन, अब क्वेश्चन के थ्रू मतलब करंट अफेयर्स में अब यहां तक 20 अक्टूबर तक आते आते आपको अब क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना है, अब आपको पढ़ना नहीं है करंट अफेयर्स में, अब रिवीजन करना है। बिल्कुल एकदम सटीक प्लान आपके बताए जो कि एकदम एग्जाम सेंट्रिक हो, एग्जाम क्लियर करा दे वैसा प्लान है। 20 अक्टूबर को आके कांग्रेस के सेशंस को आप लोग देख लेंगे। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन बिहार, बिहार में कृषि और कृषि से जुड़े हुए जो सेक्टर उसको देखेंगे। साथ ही साथ आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला जो टॉपिक है, यानी कि जैसे आपका नाइलॉन हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ग्लास कैसे बन रहा है, तो ये सब टॉपिक्स को आप देख लेंगे। और फिर उसके बाद मैंने बता ही दिया करंट अफेयर्स में अब सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाना है। इसके बाद वेरियस इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग सारे के सारे बच्चे कर लेंगे। जितने भी संस्थाएं उस दौरान बनी, कांग्रेस के पहले की संस्था, कांग्रेस के बाद की संस्था, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उस सबको कर लीजिएगा। होम रूल पार्टी बना या स्वदेशी पार्टी बना या फिर स्वराज दल बना, ये सब टॉपिक को आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इरिगेशन एंड प्रोजेक्ट इन बिहार, इसको आप कर लेंगे। एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ये आप क्लास 12th की बायोलॉजी की किताब के आखिरी जो 3-4 चैप्टर है उसको देख लीजिएगा। और मॉक टेस्ट आपको इधर लगाते हुए चलना है, रोज एक मॉक टेस्ट मैंने बता ही दिया। अब यहां पे आपको क्या करना है, हिस्ट्री में मैगजीन, बुक्स एंड न्यूज़पेपर, इसको आपको कर लेना है अच्छे तरीके से। अपेंडिक्स जो है आपका, अपेंडिक्स होता है वहां पे स्पेक्ट्रम के आखिरी में, वहां पे आप इसको देख करके जितने भी इंपॉर्टेंट मैगजीन, बुक्स और न्यूज़पेपर है उसको कर लीजिएगा। मिनरल्स एंड इंडस्ट्री इन बिहार, इस टॉपिक को आप कर लीजिएगा। इसके अलावा अब यहां से शुरू हो रही है मैथ्स, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। पहला दिन मतलब मैं 5 दिन दिया हूं मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ढंग से लगा करके एनालाइज कीजिए। करंट अफेयर्स फुल मॉक मैंने बता ही दिया। 23 तारीख को आते आते आप रीजनल किंगडम जो बिहार के होंगे, क्षत्रिय राजवंश जैसे कि उज्जैनी हो गया, चेरो हो गया, ऐसे कर्नाट हो गए या फिर ओनिवर हो गया, तो ऐसे जो क्षत्रिय राजवंश थे बिहार के, उन क्षत्रिय राजवंश को आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, कोई भी आपकी किताब है उससे। देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार, यानी कि बिहार के बुनियादी ढांचों को, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, जो संचार है, इस टॉपिक को आप अपने रेस्पेक्टिव बुक से पढ़िए। देन उसके बाद मैथ्स का मॉक मैंने बता दिया कि मैथ्स का मॉक लगेगा, करंट का मॉक लगेगा। 24 अक्टूबर तक आते आते अब आपका हिस्ट्री समाप्त हो चुका है, अब आप हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हमने ऑलरेडी सितंबर महीने में समाप्त कर चुके हैं, अब हम बात चुके हैं अक्टूबर महीने में। अक्टूबर के महीने में भी हम लोगों ने 23 तारीख तक हमारे हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया, चाहे बिहार हिस्ट्री हो चाहे हमारा नेशनल हिस्ट्री हो। अब हम हिस्ट्री का फुल मॉक लगाएंगे, जहां से मौका मिले क्वेश्चन लगाइए हिस्ट्री का फुल मॉक, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, कहीं का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, हिस्ट्री का मॉक लगाते रहिए। रोज कोशिश कीजिए, एक मॉक अगर मैं लिख रहा हूं तो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो रोज कोशिश कीजिए कम से कम 100 जो है रियलिस्टिक टारगेट है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि 500 लगा लीजिए एक दिन में, 100 रियलिस्टिक टारगेट है, 100 क्वेश्चनों को आप लगाइए। और मॉक लगाने का तरीका यह नहीं कि क्वेश्चन लगाया आंसर मिला है, नहीं, मॉक लगाने के बाद जहां आप गलती कर रहे हैं, जो आपका तुक्का से सही हो रहा है उसको भी आप गलत मानते हो, उसके प्रॉपर एनालिसिस के साथ सारे ऑप्शंस को सर्च कीजिए अपने साथ मोबाइल पे। इसके बाद डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आप बिहार में कर लीजिएगा। और मैथ्स के मिस मॉक आपको यहां पे लगाने हैं, करंट अफेयर्स का भी मिक्स मॉक आपको यहां पे लगाना है। अब इसके बाद हिस्ट्री का मॉक यहां शुरू हो गया, ज्योग्राफी का मॉक, अब इसके बाद अब यहां से यानी कि 25 अक्टूबर को आप पहुंच चुके हैं, अब यहां पे आपको हिस्ट्री का मॉक आप लगा रहे हैं, हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं, मैथ्स के 50 क्वेश्चन लगा रहे हैं, करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं। इतना क्वेश्चन यानी कि 350 क्वेश्चन आपको रोज 25 अक्टूबर से लगाने हैं। सेम थिंग यहां पे सेम है 26 तारीख को भी कि हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 100 क्वेश्चन, अब यहां पे आपका साइंस आ चुका है तो साइंस का भी 100 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का भी 100 क्वेश्चन, यानी कि अब देखिए लेवल अपग्रेड हो रहा है, एग्जाम नदी का रहा है, लेवल अपग्रेड हो रहा है, 400 क्वेश्चन का यहां पे टारगेट मैं आपको दे रहा हूं। 27 अक्टूबर को भी वही सेम चीज रिपीटेड है, यहां पे भी आपको 400 एमसीक्यू, 100 क्वेश्चन पर से। 28 तारीख को भी यही सेम चीज है आपको। इसके बाद हम आ जाएंगे 29 तारीख को, 29 तारीख से आपको ज्योग्राफी को लोक करके पॉलिटी का लगाना है, 29 तारीख को ज्योग्राफी को लोक करके आपको पॉलिटी का लगाना है 100 क्वेश्चन, हिस्ट्री का 100, साइंस का 100, करंट अफेयर्स का 100, इस प्रकार से हम यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद देखिए
देखिएगा ध्यान से, हिस्ट्री का मॉक 30 अक्टूबर का, हिस्ट्री का मॉक, पॉलिटी का 100 क्वेश्चन, साइंस का 100 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का 100 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन रोज आपको लगाने हैं। 31 तारीख से आप पॉलिटी को लोक करके बिहार स्पेशल के मॉक पे हाथ लगाइएगा, बिहार स्पेशल के मॉक पे आपको हाथ लगाना है। और अब 31 तारीख के बाद आएगा 1 नवंबर, तो नवंबर का शेड्यूल मैं अगले वीडियो में दूंगा, वो पार्ट 3 हमारा हो जाएगा। तो यहां पे आप मॉक इसका 100 लगाइए, हिस्ट्री का मॉक लगाइए 100, साइंस का लगाइए 100, करंट अफेयर्स का 100, मोटा मोटी यहां तक आते आते आपके सारे के सारे सब्जेक्ट जो है समाप्त हो चुके होंगे। तो ये था हमारी तरफ से आपके समक्ष अक्टूबर महीने का मास्टर प्लान। सितंबर महीने का ऑलरेडी मैंने दे दिया, आने वाले वक्त में आपको मैं नवंबर महीने का भी प्लान मुहैया करा दूंगा। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है देन दिस इज योर प्लान, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लान है आप उस प्लान के तहत जा रहे हैं तो डोंट चेंज योर प्लान। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है अगर आप हर रोज का होमवर्क कंप्लीट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर लिखा कीजिए सितंबर महीने का भी कि भाई आज मैंने इतने तारीख का हमने टास्क कंप्लीट किया। अक्टूबर में भी आप जब आएंगे तो लिखेंगे कि भैया 1 अक्टूबर का टास्क मैंने कंप्लीट किया, 2 का कंप्लीट किया, 3 का कंप्लीट किया, इस प्रकार से आपको लिखते हुए चलना है। तो मैं उम्मीद करूंगा यह सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को एंजॉय किया हो, और साथ ही साथ एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं वापस से ऐसे ही कुछ अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।